अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल चिकन सीख कबाब। तो देखिए, मैंने जो चिकन है ये बोनलेस लेके इसको मिक्सर जो अपना ग्राइंडर रहता है इसी में मैंने घुमा दिया है। तो ये अभी अच्छी तरह से हुआ नहीं है, पहले फर्स्ट मैंने इसे घुमा लिया, अब इसमें मसाले डाल के फिर वापस से इसे ग्राइंड करेंगे। तो मैंने ये लिया है कोथमीर और पुदीना, तो इसे मैं चॉप करके डाल रही हूँ। बहुत जाती है फ्रेंड्स ये डिश। तो देखिए, मैंने कोथमीर पुदीना डाल दिया है, अभी इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट भी डालूंगी। अब हम इसमें एक ओनियन भी मीडियम साइज़ के ओनियन है ये चॉप करके डाल देंगे। तो देखिए, मैंने ऐसे मोटा मोटा प्याज काट के डाल दिया। अभी डालेंगे हम मसाले, ये ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। ये मैं सब 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने जायके के हिसाब से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब डालेंगे आमचूर पाउडर और इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, फिर डालेंगे ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। उसमें हमने हरी मिर्च भी का पेस्ट भी ऐड किया हुआ है और इसमें जाएगा नमक, हसबे जायका नमक आप डाल दें। अब इसमें जाएगा नमक 1.5 टीस्पून है। अब इसमें हम एक हाफ लेमन ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। तो मैं इसको स्क्वीज कर देती हूँ इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे दलिया का पाउडर या फिर आप बेसन को जो है रोस्टेड बेसन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून के करीब रोस्टेड पाउडर। अब इसमें हम हल्दी भी डाल देंगे। बस अभी इसे हमें ग्राइंड कर लेना है अच्छे से ताकि सब मसाले मिक्स हो जाएं। तो देखिए, आप इसे 1 घंटा भी रख सकते हैं, मैं इसे फ़ौरन बना रही हूँ। तो मैंने जो है नॉन स्टिक जो कढ़ाई हमारी इस पर ऑयलिंग करके इसी गैस पर चढ़ा दिया है और एक बेलन की मदद से देखिए इस तरह मैंने एक बना लिया है। इसके जो बेलने के बाजू रहते हैं उस पर मैंने ऑयलिंग करके ऐसा बनाया। अभी और एक बना के बताती हूँ मैं आपको। देखिए कितने आसानी से निकल जा रहा है। देखिए इसे हम पैन पे छोड़ देते हैं इस तरह। और एक बनाती हूँ मैं, इसे केक गोला ले लिया, इसे नीचे इस तरह से फ्लैट करते जाएंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है ये और बहुत जल्द भी हो जाता है। देखिए इसी तरह से हम सारे बना के इसे पैन में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। चलो फ्राई कर रहे हैं, हम फ्राई नहीं कर रहे, सीख बन रहा है ना। तो चलिए मैं सारे बनाकर रख लेती हूँ। देखिए कितना अच्छे से बन गया और बीच में होलो भी है। देखिए आप स्कीवर की मदद से भी, इस तरह की जो लंबी वाली स्कीवर मिलती है इसकी मदद से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि बना रही हूँ। देखिए बस प्रेस करते जाना, इसका साइज़ भी ज़रा आपको डबल मिलेगा। बेलन बेलन पे ज़रा छोटे आते हैं मगर इसके परफेक्ट बनते हैं। तो इसका भी आप आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये अच्छे से दोनों तरफ से मैंने फ्लिप करके इसे अच्छे से शैलो फ्राई किया है। अभी भी ये हो रहे हैं और अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब मैं ही निकाल दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इट इज़ रेडी टू सर्व। मैंने अच्छे से सर्विंग प्लेट में से निकाल दिया है और बहुत ही टेस्टी है, मैंने इसे खाया भी है। आप इसे इस तरह की ग्रीन चटनी, पुदीना चटनी या फिर कुछ अलग तरीके से मेयोनीज वगैरह अप्लाई करके भी ब्रेड में खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का बना है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और रमज़ान स्पेशल है ये, बहुत ही जल्द बनने वाला, ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी। तो देखते रहिए हमारा चैनल और सीखते रहिए नई नई डिशेस। अल्लाह हाफिज़।